क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा भी मंदिर है जहां पर हर चैत्र के नवरात्रों में भारी संख्या में भीड़ जमा होती है और हर नवरात्रि में इस मंदिर में विशाल मेले का आयोजन भी होता है। पाकिस्तान में इस मंदिर की ऐसी पूजा होती है कि पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर हमारे वीडियो पे आप नए हो तो हमारे चैनल को अवश्य ही सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में इस मंदिर में अन्य मंदिरों की अपेक्षा काफी भीड़ जमा होती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि पाकिस्तान में यह मंदिर दुनिया के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और इस मंदिर का नाम है हिंगलाज माता मंदिर। और हमेशा की तरह इस मंदिर में हर साल की तरह विशाल जश्न मनाया जाता है। जैसे कि भारत के सभी मंदिरों में हर नवरात्रों में भारी संख्या में जश्न मनाया जाता है और धूमधाम से लोग हर चैत्र की नवरात्रियों में इस मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। पाकिस्तान के इस मंदिर में नवरात्रि में गरबा खेलने से लेकर कन्या भोज तक करवाया जाता है और इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जो कि इस स्थान पर कहा जाता है कि माता सती का सिर गिरा हुआ था और जब से यह मंदिर इस जगह पर मौजूद है और भक्तों के कष्ट हर रहा है। आपको बता दें कि इस मंदिर की खोज 15वीं शताब्दी में हुई थी और रत्नेश्वर नामक एक सिंधी भक्त ने इस मंदिर की खोज की थी। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के उस हिस्से में मौजूद है जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और उस हिंदू बाहुल क्षेत्र में इस मंदिर की पूजा अर्चना भी होती है। पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि अन्य फॉरेन कंट्री से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं और इस मंदिर में माता के गानों की भक्ति की गूंज दूर दूर तक आपको सुनाई दे जाएगी। और कुछ लोगों का मानना है कि हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा करने से आपको अमरनाथ की यात्रा का फल प्राप्त होता है और यह यात्रा अमरनाथ की यात्रा से भी कठिन मानी जाती है। अगर इस मंदिर में हिंदू मुस्लिम एकता को देखा जाए तो यहाँ पर यह मंदिर मौजूद है और इस मंदिर में पूजा आज तक होती चली आ रही है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को पहचानना नामुमकिन हो जाता है। कई बार तो यह देखा गया है कि मंदिर का पुजारी मुस्लिम टोपी पहने हुए पूजा अर्चना करता है और इनमें से अधिकतर लोग बलूचिस्तान सिंध के लोग होते हैं, जो कि हजारों की संख्या में हर रोज पहुंचते हैं और माता से अपनी मनोकामना मांगते हैं और माता उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। दोस्तों इस मंदिर को मुस्लिम कम्युनिटी नानी का हज के तौर पर मानती और इसको कुछ लोग पीरगाह के तौर पर भी मानते हैं, इसलिए अफगानिस्तान ईरान से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। अगर आपको हिंगलाज माता मंदिर जाना है तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान के निकट में यह स्थान मौजूद है। इस मंदिर के निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो जिन्ना हवाई अड्डा इस मंदिर से करीब 280 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और अगर आप कराची से होते हुए इस मंदिर को जाते हैं तो आपको बता दें किराए के तौर पर टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जिससे कि 7 से 8 घंटे का सफर होता है। दोस्तों यह थी हमारे वीडियो में हिंगलाज माता मंदिर की जानकारी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमको सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।